हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी में, जहां पर हम आपको मेडिकल से रिलेटेड सभी जानकारी देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिकल से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे छोटे बच्चे बार बार दूध क्यों डालते हैं, जिसको हम GERD भी कहते हैं, यानी गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज भी कहा जाता है। और छोटे बच्चों में GERD की समस्या किन किन कारणों की वजह से होती है और इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को दिखाई देते हैं, और साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो जानेंगे ये सभी बातें आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में GERD की समस्या का जो मुख्य कारण है वो है बच्चों के जो खाने की नली होती है और जो स्टोमक के बीच एक वाल्व होती है, जिसको हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर वॉल्व के नाम से जानते हैं, वो थोड़ी लूज होती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार दूध पलटता रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें बच्चा दूध पीते पीते भी डाल सकता है तथा दूध पीने के कुछ समय बाद भी दूध डालता रहता है। तो यही थे इसके लक्षण। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो दवाई दी जाती है वो डोमप्रोडोन नाम की दवाई दी जाती है, जो हमें मेडिकल स्टोर पर डोमिस्टाल बेबी ड्रॉप या डोमवेज बेबी ड्रॉप के नाम से भी मिल जाती है, या किसी अन्य नाम से भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके डोमिस्टाल बेबी ड्रॉप के डोज की बात करें तो 1 बूंद पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का वेट 5 किलो है तो उसे 5 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यदि किसी बच्चे का वेट 3 किलो है तो उसमें 3 बूंद 3 बार दी जा सकती है। तो अगर हम ये दवाई दूध पिलाने से 15 या 20 मिनट पहले दे तो यह दवाई ज़्यादा असर करेगी। और फ्रेंड्स, डोमिस्टाल बेबी ड्रॉप के साथ हम कोई भी जैम ड्रॉप दे सकते हैं, जैसे कि वीटा जैम ड्रॉप या एरिस्टो जैम ड्रॉप या अन्य कोई भी जैम ड्रॉप दे सकते हैं। अगर हम वीटा जैम ड्रॉप के डोज की बात करें तो 1 बूंद पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 किलो का है तो उसे 5 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस दवाई को दूध पिलाने के 10 मिनट बाद दें तो इसका असर देखने को ज़्यादा मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर बच्चे का दूध का पिलाने का तरीका भी चेंज करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जैसे कि हमें बच्चे का सिर ऊंचा करके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और साथ ही दूध पिलाने के बाद 10 से 15 मिनट तक कंधे से लगाकर उसको थपथपाना चाहिए, और इसके बाद बाई करवट लेटाना चाहिए, जिससे कि बच्चे में दूध डालने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है या बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही था GERD का ट्रीटमेंट। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।